हेलो स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग क्या है क्लास ट्वेल्व का एक डायरेक्शन जिसको हम लोग डायरेक्टिंग भी बोलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से एक उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए है? अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा डायरेक्टिंग जो होता है हमारा फंक्शन ऑफ़ मैनेजमेंट है ठीक है इट्स क्लियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग मोटिवेटिंग लीडिंग पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि जो पीपुल जो काम कर रहे हैं उसे हम लोग क्या करें डायरेक्ट करें ठीक है वही इतना डायरेक्शन कहला तो मोटिवेट करना पीपुल को लीड करना यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अचीव और क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है अचीव होने में मदद मिलता है अगर जितने भी फंक्शन है उसमें से नहीं रहे कोई तो काम हमारा बढ़िया तरीके से नहीं होगा ठीक है तो जिसमें से हमारा डायरेक्शन भी एक है जिसका अहम रोल है ठीक है तो कह रहा है इट डज़ नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय इसका कहने का मतलब हुआ है कि, कि ऐसा इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ इंस्ट्रक्ट ही करे किसी को बोले ही कि आप तुम ऐसे काम करो डायरेक्शन दे बल्कि वो इंक्लूड भी करे कि हम सुपरवाइज हैं उसको देख रहे हैं एम्प्लॉय को वेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब जब वो काम को कर रहे होते हैं मोटिवेटिंग टू परफॉर्म मोर इफिशेंट उन्हें है ना आप समझाइए मोटिवेट करिए एंड लीडिंग दैन टू बार्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तभी हम अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे ठीक है उसके बाद है आपका फीचर्स फीचर्स में है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर ए सेटिंग फॉर एक्शन बट डायरेक्टिंग इंटीएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं इस फीचर में आते हैं इनके अंदर अदर फंक्शन ऑफ यहाँ लिख सकते हैं आप ठीक है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारा जो डायरेक्टिंग होता है ना हर लेवल के मैनेजमेंट पे रहता है फर्स्ट हमारा हायर लेवल होता है सेकेंडरी मतलब मिडिल लेवल होता है पढ़े मतलब ही तीन लेवल जो होते हैं लोअर लेवल होते हैं मैनेजमेंट के एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एक्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग हमारे टॉप एक्जीक्यूटिव से लेकर सुपरवाइजर तक ये जो है हमारा ये काम आता है ठीक है डायरेक्टिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस डायरेक्शन जो होता है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है किसका तो सुपरविजन का कम्युनिकेशन का लीडरशिप का मोटिवेशन का क्योंकि ये हमारे क्या है हमारे इसके अंतर्गत आते हैं किसके डायरेक्शन के एलिमेंट्स हैं कौन कौन लीडरशिप मोटिवेशन कम्युनिकेशन सुपरविजन इचारो ठीक है directing from top to bottom it is the first initiative at the top and flows to the bottom through organizational hierarchy keh raha hai ki hamara jo directing hota hai wo kya karta hai flow karta hai top se leke bottom tak top level se leke bottom tak hamara organization hierarchy mein kaam karta hai hai na bachcho to हमने फीचर जान लिया अब है importance के बारे में ठीक है तो हम लोग इम्पोर्टेंस यहाँ पे जानेंगे चलिए इम्पोर्टेंस देखते हैं यहाँ पे आप एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा लिख सकते हैं इनिशिएट एक्शन हमने जैसे बताया था कि इनिशिएट एक्शन वो जो है एक्शन को तुरंत इनिशिएट करते हैं डायरेक्शन में हम लोग किसी भी पीपल को जो है मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को और उसे हम लोग क्या करते हैं लीड करते हैं इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाई पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वाट अटेंडमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव द एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट वर्किंग ओनली वेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुप्रियर्स इट इट इज़ द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअली वर्क टू कन्वर्ट प्लान इन टू हिस रिजल्ट ठीक है वही बात है इंटीग्रेट इम्प्लॉयज़ इफ़र्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड सो इट इज ने टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज इट इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ सब ऑर्डिनेट बाई सुपरविजन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ओके कि हम लोग क्या करते हैं इम्प्लॉय के इफ़र्ट्स को हम लोग यहाँ पे फीचर्स में है इम्पोर्टेंस में सॉरी मीन्स ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन का मतलब बताता है ये इट मोटिवेट दब ऑर्डिनेट वर्क इफिस एंड यर मैक्सिमम इफोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये मतलब बताता है मोटिवेशन का क्यों क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं पीपुल को एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट जो है बहुत ईजिली वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है फैसिलेट चेंज इम्प्लॉय होते हैं ऑप्टन रिसीट चेंजेस ड्यू टू फीयर एडवर्स इफेक्ट हम फैसिलेट चेंज कहने का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन के ठीक है डायरेक्टिंग फैसिलेट्स एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप विद चेंजेस इन द इन्वॉर्मेंट अब है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है स्टेबिलिटी बैलेंस मतलब एक तरीके से बैलेंस रहते हैं स्टेबल रहते हैं स्थिर रहते हैं इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है ये दोनों में क्या है बैलेंस हमारा बना हुआ रहता है ठीक है तो आज हमने जाना डायरेक्टिंग का हमारा डेफिनेशन जो मैंने बताया फीचर्स अच्छे तरीके से उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस जाना ठीक है तो इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है